नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री सेज यूएनएससी चीफ। अच्छा जी, तो यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कहा है कि जी भारत जो है वो तीसरी सबसे मजबूत ताकत है, सबसे देश है। चले भाई, पाकिस्तानी ये सुनेंगे तो उनके अंदर का तो जो भी जज्बा है वो तो हुलाड़ मारकर बाहर आने लगेगा। कैसा कैसे हो गया, झूठ बोलता है ये यूनाइटेड नेशन वाला। यूनाइटेड नेशन किसी काम की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इस टाइम दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ अगर सिंगापुर के डिप्लोमेट की बात करें, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि यूके को अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को क्विट करके इंडिया को जगह देनी चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है 1947 में जिस दो कंट्रीज ने इकट्ठे सफर का आगाज किया, आज एक दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गई है। और दूसरी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कभी किसी कंट्री में जा रहा है हेल्प के लिए, कभी यूएई के पास जा रहा है हेल्प के लिए, तो कभी सऊदी अरेबिया के पास हेल्प के लिए जाता नजर आ रहा है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, पब्लिक क्या समझती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर कैसे बना? रिएक्शन लेंगे पब्लिक से और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली काजमी। अली भाई क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। ओ जबरदस्त हो गया, फिर तो इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। नो डाउट जो गुर्बत के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया उसके हवाले से बात कर रहे हैं और आईटी के हवाले से भी साथ साथ बात करेंगे। आईटी की अगर बात करें पाकिस्तान में कितना स्कोप है, पाकिस्तान में कितना इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्क कर रही है और इंडिया में कितना कर रही है आईटी के ऊपर? सर बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में, हम तो अपनी गवर्नमेंट से फेड अप हो चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे इतने ज्यादा प्रोफेशनल है लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके, जी जी बिल्कुल, इस तरह के मसाए रहते हैं, इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है आईटी की। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें आज, क्योंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि खबर आई है दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है इंडिया और जितनी तेजी से वो ग्रो कर रहा है और सिंगापुर के साथ अभी उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से एग्रीमेंट किया है, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है हमारी गवर्नमेंट की, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, ये सूरत हाल में आपको लगता है कि ज्यादा देर हम सर्वाइव कर पाएंगे? पाकिस्तान की आम पब्लिक हो क्या आपको नहीं लगता तंग आ चुकी है, लूटमार पे उतर आई है? अभी कराची से खबर थी एक माल को लूट लिया गया। जी सर ऐसी है, इसीलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है, क्योंकि हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पर इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अजाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर ये है कि जो इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है, इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा, लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है, हम ये चाहते हैं कि मीडिया आवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो जाकर करे ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में आवाम के मसाइल क्या है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल में जो कुछ हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है वो हमें पता चले कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले, हमें ये लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया यही है, पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं जबकि दुनिया के बहुत से कंट्रीज खुशहाली की तरफ भी जा रहे हैं। सर दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, आप देखें चाइना को देख लें सर, वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब चाइना ने अपनी करेंसी जो है यूआन उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डॉलर को खत्म कर रहे हैं, आईटी में देखें जो है चाइना कहाँ चला गया है, तो हम नीचे आ रहे हैं, इसकी वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रमोट नहीं कर रही। हमने कहाँ पे खामी की, लाइक 1947 में पाकिस्तान बना,
1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की, वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है, क्या ही बात है, हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख ले, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुरबा ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है इसकी वजह से। यार ये जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी जब ऐसी बात करते हैं ना बिना फैक्चुअली सपोर्ट करती हुई बात, जब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। भारत में ज्यादा गुर्बत है, फिर से पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी और ब्लू टी शर्ट वाले, तुम आईटी प्रोफेशनल, तुम्हें भी चैलेंज है। अगर मेरा वीडियो देखो और जरा शर्म हो तुम्हें, ये साबित कर दो कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी है, ये साबित कर दो, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। अगर अपनी मां का दूध पिया है ना तो ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करो और साबित करो कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी है। नंबर्स की बात मत करना, कंपैरिजन तब होता है जब दोनों मुल्क बराबर आबादी हो। हमारी आबादी आपसे 7 गुना ज्यादा बढ़ी है, 6 गुना तो बढ़ी है, इसलिए रेशियो की बात होगी कि 100 में से आपके यहां कितने लोग गरीब हैं और 100 में से हमारे यहां कितने लोग गरीब, ये होता है असल कंपैरिजन। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को ये बात करते हुए। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, देखने वाले की जरा बताइएगा। आपने जैसे बोला कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट उनकी, नो डाउट 680 बिलियन डॉलर रिजर्व उनके पास मौजूद है, गवर्नमेंट आपने बोला अमीर है, लेकिन दुनिया के टॉप जो 15 बिजनेसमैन है ना उनमें से तकरीबन 2-3 इंडियंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने बोला कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, यहाँ पे बाइंग पावर क्या और वहाँ पे बाइंग पावर क्या, आपको आइडिया नहीं है? सर मैं ये आपको बताता चाहता हूँ, आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है सर, गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को, उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है, तो वो वहाँ पे तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों का जो दारोमदार है वो ज़राअत पर है हमारे। अबे चमन चोमू, सवाल कुछ और था, होती सवाल कुछ और था, सवाल ये था कि साबित कर कि गरीबी ज्यादा है भारत में। भारत की पर कैपिटा इनकम तुमसे ज्यादा, भारत में आबादी तुमसे ज्यादा, भारत में बिजनेस तुमसे ज्यादा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, भारत में इंडस्ट्रीज जितनी है उतनी तूने ख्वाब में नहीं सोची होगी, और तू बात करता है कि गरीबी हमारे यहां ज्यादा है। अबे जिसको मानता है उससे तो डर, पता नहीं उससे भी डरते हो कि नहीं तुम लोग, मुझे तो नहीं लगता। सुन, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक सेक्टर बता रहा हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, बाकी सब छोड़ दे यार, अभी तो आऊंगा तो अभी अच्छा सब नहीं काम करता, रुक जा यार। तेरी आईटी इंडस्ट्री, तू कह रहा है ना तेरी आईटी इंडस्ट्री है $3 बिलियन की पिछले साल की जो रिपोर्ट है, हमारी पता है कितने की है? $320 बिलियन कमाए, हमने स्क्रीनशॉट लगाया, देख ले $320 बिलियन। और अभी तो तुझे और शर्मिंदा करूंगा, दोस्तों मेरा वीडियो इस तक पहुंचाओ किसी तरह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी आने वाले कुछ टाइम में वो $300 बिलियन के पार चली जाएगी। आईटी इंडस्ट्री $300 बिलियन के पार है, तेरे पाकिस्तानी पाकिस्तान के पूरे जीडीपी के बराबर है करीब करीब। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री $300 बिलियन को पार कर जाएगी अगले कुछ सालों में, तेरे पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर आ जाएगी। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जिस पे हमने पिछले 4-5 साल से काम करना शुरू किया है, आने वाले टाइम में वो $350 बिलियन को पार कर जाएगी। तेरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री से तेरे पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर वो भी है। हमारी एक कंपनी है, कंपनी नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है, LIC, पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का डबल उसके पास है, डबल। तो हमारा आईटी सेक्टर, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा सेमीकंडक्टर सेक्टर और हमारी ऑर्गेनाइजेशन LIC, बाकी तो टाटा बिड़ला ये सब छोड़ दो। हाँ टाटा का याद आया, टाटा का भी तुमसे ज्यादा, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उसके पास है टाटा भी। तो पांच मिलके 6 बार खरीद लेंगे पूरे पाकिस्तान को, और तुम बात करते हो कि भारत में गरीबी ज्यादा है। अबे अकल से अंधे हो, पैदल हो,
या गोबर भर लिया है अंदर। आईटी प्रोफेशनल, अब समझ में आ रहा है कि तुम लोग मिट्टी की उपलीद होती है दुनिया भर में, ये तो लेवल है तुम लोगों का। हमारे मुल्क में भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया। आप देखें जाके, अब अभी चावल का सीजन चल रहा है, 2000 रुपए रेट है, उसमें जिम्मेदारों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, तो यहाँ पे कैसे लोग मुझे बताएं सर्वाइव नहीं। उसमें हमने ये चीज देखी है ना कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, नो डाउट हम तो अपनी बुक्स में ये पढ़ते थे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर एक ज़राई कंट्री है, लेकिन हम गंदुम जो उनसे कभी यूक्रेन से वीट मंगवा रहे हैं, कभी चावल हम खबर सुनते हैं जी रशिया से शायद आएंगे। क्या वजह, एग्रीकल्चर कंट्री में हमने उतनी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं किया, उतना हमने किस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया कि हमारी एग्रीकल्चर तो खत्म हो गई। सर इसकी वजह है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती जिम्मेदारों को। जब एक जिम्मेदार ने 10,000 रुपए की जो है खाद की बोरी लेनी है, उसको 2000 रुपए एक मन का रेट मिलेगा, तो उसने गंदम उगानी नहीं है। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर इसीलिए लो जा रही है कि जो जिम्मेदार हमारे समझते हैं कि हमें इसमें बचत नहीं होगी तो उसको काश्त नहीं करेंगे, इसीलिए हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन कम हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं। लास्ट में मुझे बता दें क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरे कंट्री से सीखनी चाहिए, नेबर कंट्री से सीखनी चाहिए, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए? सर पॉलिसी मैं बताऊं, कोई पॉलिसी मत करो, दूसरों में कीड़े निकालना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो और अपने ऊपर काम करो, जैसे इस बंदे ने किया। भारत में कीड़े निकाल रहा है कि गरीबी भारत में ज्यादा है, साबित कर दिया किसी पाकिस्तानी ने कि भारत में गरीबी ज्यादा है, चैलेंज नहीं दिया है आज तक, कोई किसी ने चैलेंज मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं यार। सर पॉलिसीज में ये है कि जो हमारी जो आईटी की इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री है, हमारे मुल्क का ज्यादातर मदार एग्रीकल्चर के ऊपर है, आप इन दो इंडस्ट्रीज को ग्रो करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज कम करें, इसके ऊपर टैक्सेस कम करें ज़राअत के ऊपर, आईटी के ऊपर, और लोगों को तालीम दे। हमारे अब भी जो है हमारे अब भी जो किसान है उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको स्प्रे और खादों के नाम ही नहीं पता, कौन से नहीं पता कि हम पर एकड़ क्या पैदावार ले रहे हैं अपनी जमीन से। दुनिया में, दुनिया को छोड़े साथ ही कुछ ही किलोमीटर दूर अगर इंडिया की बात करें, वो पर एकड़ कितनी पैदावार ले रहे हैं, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं टेक्नोलॉजी पे, खाद पे, और खाद भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी है ना जी। सर ऐसी हमारी गवर्नमेंट चाहिए कि एक तो इनके लिए पॉलिसीज नरम करें, उसके बाद किसानों को सपोर्ट करें, बकायदा इनको ट्रेनिंग दें, किसानों को वहाँ से एक्सपर्ट बुलाएं बाहर से, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा जाया कर देती है लोगों के ऊपर, लेकिन ये कि अवाम के ऊपर कोई पैसा रिलीफ होना चाहिए जी, अवाम को रिलीफ दें साथ में, उनको ट्रेनिंग्स दें। आईटी के हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन गवर्नमेंट चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, टैक्सेस में रिलीफ। मेरी कुछ फ्रीलांसर से बात और थी, वो ये कह रहे थे कि ज्यादा बिजनेस जो है ना आईटी के हवाले से या जितनी भी असाइनमेंट्स आती हैं वो ज्यादातर अब इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उनका कम्युनिकेशन बेहतर है, उसकी वजह ये है कि उनकी इंटरनेट की जो क्वालिटी है वो बेहतर है, और उन्हें टाइम पे जब क्लाइंट को असाइनमेंट मिलेगी तो वो तो प्रेफर करेगा इंडिया। बिल्कुल सर, ऐसे आप अगर आप पूरी दुनिया में देखें जितनी भी एक्सेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी, पहले चाइना की हम करते थे हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है, अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। तो सर जहाँ पे देखें कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक एक कंट्री की एक्सेसरीज यूज कर रहा है तो वो काम भी उसी कंट्री से लेगा, ऐसे ही है। इसलिए मतलब हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म है, हमने एक्सेसरीज तो क्या बनानी, हम अपने जो आईटी प्रोफेशनल है उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो यहाँ से कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुझे बताएं पाकिस्तान ये केले ले लें आपने, कितने रुपए दर्जन मिले हैं? 130। मुझे बताएं क्या हालात चल रहे हैं, नॉर्मल है, खुशहाली है? नहीं नहीं, बहुत परेशानी है। क्या वजह है? बस महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। महंगाई की क्या वजह है? हम कसूरवार हैं, हम काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, गवर्नमेंट कसूरवार है या ये कोई इंटरनेशनल पावर है? गवर्नमेंट उससे ऊपर भी एक पावर है, उसका क्या नाम ले सकते हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बस ठीक हो गया। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है कि ऐसे ही चलेगा? जो तो सूरत हाल जा रही है उसके साथ देखा जाए तो हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे। इसमें तो कोई शक नहीं, दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया हमारा हमसाया इंडिया। हाँ जी, ऐसे ही। आपको पता है इस बात का, उनकी इकोनॉमी, उनकी टेक्नोलॉजी किधर चली गई? ऐसी तो हम क्यों नहीं सीख, हमारी करेंसी ऊपर थी, अब वो बात ही नहीं रही, ठीक है, वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए, हम मजीद पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तरक्की क्या है ये चीज़, अब तो यही है बस, दो टाइम की जो
रोटी खा रोटी है वही पूरी हो जाए तो बड़ी बात। ये बाइक की क्या कीमत है इस टाइम पाकिस्तान में? मैं तो बंद कर दूं इसका पेट्रोल चल रहा है। अच्छा बाइक की क्या कीमत है? होंडा 125 ढाई लाख से ऊपर हो गई। ढाई लाख से ऊपर हो गई है। चलें जी, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, खासतौर से इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, क्या आपके वहाँ पे होंडा 125 या 125 सीसी बाइक की क्या कीमत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद लियाज। क्या करते हैं लियाज साहब? शॉपकीपर है। बिजनेस सही चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। क्या वजह है? चोरों की हुकूमत है। अच्छा चले, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बताएं, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, 1947 में हमने सफर का स्टार्ट किया, ये साथ नेबर कंट्री इंडिया है, ये भी 1947 में बकायदा इन्होंने जो उनसे अपनी मेहनत अपना सफर स्टार्ट किया, आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं और पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। क्या वजह है कि वो लोग दुनिया की तीसरी पावर बड़ी बन गए और हम जो उनसे हैं कभी किसी कंट्री जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं, किसी कंट्री जा रहे हैं हेल्प मांग रहे हैं? वो कौम है हमारी तरह, भेड़ बकरियाँ नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। अफगान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? कश्मीर में इससे अच्छे हालात है कश्मीर में। जी भाई जान, आप पढ़े ना कभी, सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। नहीं तो हमारे मीडिया में तो बताया जाता है, एक मिनट भाई से भी साथ बात करूंगा, ये अंकल कह रहे हैं कि इंडिया साइड में खास तौर पे कश्मीर की बात करें हमारे से ज्यादा बेहतर हालात हैं। क्या समझते हैं, महंगाई उधर कम है? ये तो हम भी खबरों में देखते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट में, लेकिन हमारा मीडिया क्या कहता है? ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मीडिया सिर्फ झूठ बोलता है। नहीं, तो क्या वजह है, हम क्यों दिन ब दिन नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? क्या वजह है इंडिया दिन ब दिन ऊपर से? चोरों की हुकूमत है, बात यही है ना। नहीं, चोर खा रहे हैं, हमें नहीं खिला रहे, तरक्की कहाँ से हो? तो ये चोरों की, जब देखे ना ये बंदा है, इसे कहा ये बेच रहा है, ठीक है, ये आधे चोरी कर लेगा आधे बेचेगा तो क्या करेगा? आपने ये केले खरीदे कितने रुपए दर्जन? 150 रुपए। 150 रुपए दर्जन। अच्छा, जहाँ पे लोग देख रहे हैं बताइएगा आपके वहाँ पे कितने रुपए दर्जन है? भाई जान, जैसे ये सर बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि दिन ब दिन इंडिया कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी पावर कैसे बन गया? देखें, वो तीसरी बड़ी पावर ऐसे तो नहीं बन गया है। कैसे बन गया है? हम देखें, वहाँ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वहाँ की जो हुकूमत है, नहीं 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 बेरोजगारी यहाँ भी है, बहुत बेरोजगारी है, और बेरोजगारी पर तो यहाँ बवाल भी होता है और होना भी चाहिए। भाई सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं की जा रही, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन और प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होने चाहिए, और लोगों के लिए अवसर उपलब्ध होने चाहिए, लोगों को भी सिर्फ नौकरी करने के अलावा कुछ और भी करना चाहिए। बेरोजगारी यहाँ भी है भाई, बिल्कुल मत है, वहाँ के जो लोग हैं वो सेंसेबल हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे कुछ लोग पीटीआई के पीछे भाग रहे हैं, कुछ नून लीग के पीछे भाग रहे हैं, वो मुझे चोर कह रहा है, मैं उसे चोर कह रहा हूँ, ये इसी तरह गुजर रही है, इनकी सारी लाइफ इसी तरह गुजर गई है और इसी तरह गुजर जानी। तो नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का हो रहा है, पाकिस्तान अपना अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई जान। ये मेन चीज देख नहीं रहे, पीटीआई को कौन लेके आया था, नून लीग को कौन लेके आया है, तो ये जो पॉइंट्स वाली चीजें हैं ये देखें, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। मैंने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में और मुझे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आपको तो अभी वीजा मिले, मेरे ख्याल से आप निकल जाएंगे। नहीं निकलना, यहाँ है कुछ अंकल जी, ज्यादातर यूथ नौजवान, आपका तो चले यहाँ पे बिजनेस है, मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, हर एक नौजवान, कोई 100 में से शायद 2-3 हो जो के नहीं भाई मैं इधर ही रहूंगा, 98% लोग कानून नहीं ना होगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं ना होगा, वो यहाँ बेचारे ये ऐसे ही रहे, ठीक है, मेरिट नहीं होगा ये ऐसे ही रहे, मेरिट ही नहीं है, कानून ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखे जी, 30 साल पुरानी डिग्री जैली किसने बनाई, उसे पूछे, ठीक है। अच्छा, ये मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करेगा, इनकलाब आएगा तो होगी तरक्की, जैसे बांग्लादेश में आया, बिल्कुल बांग्लादेश से भी डबल आना चाहिए, ठीक है, इनको कुत्ते की मौत मारे। अंकल जी है तो लीडर तो हमारे, लीडर कौन से हैं, बकवास है सारे। अच्छा भाई जान, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ये कह रहा है ना कि बांग्लादेश में इनकलाब आया है, इनकलाब आया है, यकीन मानिए ये प्रोपेगेंडा है। बांग्लादेश ने अपनी गर्दन दोधारी तलवार पर रख दी और बांग्लादेश में जो हो रहा है और जो हुआ है ना, वो बांग्लादेश के लिए सबसे, मैं कहूं तो, बुरा काम हुआ है। अब पूछेंगे आप कैसे,
आईएमएफ के चंगुल में आप ऐसे फंसे हैं ना, आईएमएफ आपको नचा रहा है और आप सांप की तरह उसके बीन पे नाच रहे हैं। ये मेरी लाइनें नहीं है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आपके मिनिस्टर रहे थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था उनका, उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान आईएमएफ के बीन पर नाच रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन अब आ गई है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ठप पड़ गई इस इनकलाब की वजह से। कमाई का सबसे बड़ा सोर्स था, नौकरी का सबसे बड़ा सोर्स था, ठप पड़ गई, खत्म हो रही है। अब देखते रहिए, इनकलाब है ना, देखते रहिए। भूखो मरेंगे बांग्लादेशी, भूखो, अभी देखिएगा। और जो एंट्रिम गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं आईएमएफ से $8 बिलियन चाहिए। और ये मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अमेरिका के बड़े करीबी हैं, बड़े करीबी रहे हैं अमेरिका के। आप जाकर सर्च करिएगा मोहम्मद यूनुस एंड अमेरिका, आपको पता चलेगा। और आईएमएफ किसका है? अमेरिका का। तो मोहम्मद यूनुस ने आते ही कहा अपनी वफादारी अमेरिका के लिए दिखाई, $8 बिलियन स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, देख लीजिए $8 बिलियन। अब धीरे 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 अमेरिका अपनी गिरफ्त बढ़ा लेगा बांग्लादेश के ऊपर। गारमेंट इंडस्ट्री तबाह, $40 का नुकसान हो चुका है, $40 का। आप कहते हैं इनकलाब है, अरे अगर ये इनकलाब है तो जुल्म किसे कहते हैं? और जो हिंदुओं पर हो रहा है वो तो अलग ही मामला है, हिंदुओं पर जो हो रहा है वो अलग ही मामला है। अभी खबर आई, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, एक हिंदू नौजवान को, बच्चे को, पुलिस और आर्मी की निगरानी में था वो, उस पर झूठा इल्जाम लगाया और उसको खींच के बाहर मारकर उसका जश्न मना रहे हैं, यार मार दिया। तो भगवान ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है, और वो जब लाठी चलाता है तो कुछ नहीं होता, समझ में नहीं आएगा आपको। और देखिए बांग्लादेश में शुरू हो गया, बांग्लादेश में शुरू हो गया। दो चार साल, पांच साल रुकिए, फिर बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान वाली हालत ना हो तो जो कहेंगे वो कर दूंगा, देखते रहिए। कि हमें ये, हम वैसे बात करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसी सूरत हाल में जैसे आपने बात की या वो सर ने बात की, आपको लगता है कि कश्मीरी तो हंस रहे होंगे? कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। ठीक है, ठीक है, इस सिचुएशन में तो कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये सिर्फ एक ख्वाब ही है, 70 साल हो गए हैं ख्वाब। लॉलीपॉप है, लोगों को इस लॉलीपॉप के पीछे लगाया है। लॉलीपॉप है, दिख नहीं रहा है, हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है। ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें, क्या फर्क है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है, यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ कोई चीज नहीं है, यहाँ क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। यहाँ से तो लोग बकायदा बाहर जा रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर ही जाना है, इधर है कुछ। अच्छा एक चीज और है जो मैंने नोट की है, नो डाउट इंडिया के लोगों में यूनिटी होगी, नो डाउट उनकी लीडरशिप सिंसियर होगी अपने कंट्री के साथ, लेकिन जो एक बेसिक चीज, मेजर चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। कभी वो जा रहे हैं मलेशिया, कभी वो जा रहे हैं बरनई इस्लामिक कंट्री में, कभी वो जा रहे हैं इंडोनेशिया, कभी इमरान खान भी यही बात करता था कि अच्छा। जो हमारी ख्वाजा पॉलिसी है ना, हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फॉरन पॉलिसी हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ठीक है, इमरान खान की भी, इमरान खान साहब का भी यही नजरिया था। ठीक है, लेकिन इस नजरिए की वजह से वो जेल में इस टाइम मौजूद है। देखें बस वही बात है ना, फिर बात वही है, इमरान खान को भी जो लेके आया था आपको पता है। ठीक है, नून लीग को भी जो लेके आया था आपको पता है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो पब्लिक नहीं लेके आई थी, इमरान खान को या किसी को भी, देखे ना अभी प्राइम मिनिस्टर बना तो कौन लेके आया? इमरान खान को पब्लिक लेके आई थी। नो ऑब्वियस बात है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है। ठीक है, ठीक है, पर इमरान खान को तो पब्लिक नहीं लेके आई पब्लिक, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पब्लिक के वोट की कोई वैल्यू नहीं है, लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है कि है वैल्यू? मुझे अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, लोगों की ओपिनियन की बात की जाए, लोग तो यही कह रहे हैं कि नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे ये बता दें क्या वजह है पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, जो हमारे भाई हैं, अपनी हरकतें, अपनी हरकतें हमारी, हमारी हरकतें, हमारे हुक्मरानों की, हमारी हमारी, हम जैसे वैसे हुक्मरान है। ये जी मैं भी यही कहना चाह रहा था, कुरान में है कि जो
जैसा हुक्मरान होगा जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान होगा। तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए जैसे इंडिया की बात, यहाँ थूक फेंकते हैं, फेंक देंगे, ठीक है, फेंक देंगे ना, सफाई नहीं करते ना आप, गंदगी तो मैंने गंदगी तो फिर हमको कौन गंदा, हम गंदे तो फिर हुक्मरान भी गंदे, तो फिर यही तो बात है, इससे यही असल बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कंट्रीज जैसे जिन्होंने हमारे साथ देखे हमारे असूल उन्होंने अपना लिए हैं, इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है, इंडिया आप देखे इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है, इंडिया पावर है, ठीक है, वो कैसे बना, आपने अपने जो थे लोग, ठीक है, अपने लीडर थे जिन्होंने कुछ बनाया है, ठीक है, उनके साथ क्या किया आपने, उनके साथ कुछ किया अच्छा नहीं किया, तो फिर वो अपने साथ अच्छा करते हैं ना, वो टैक्स देते हैं, आप देते हैं पूरा टैक्स नहीं देते, नहीं हर चीज पे टैक्स तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, जो बड़े वो दे रहे हैं, वो लोग नहीं दे रहे, ठीक है, बिजली वो खा रहे हैं, हम वो गरीब दे रहे हैं, तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी भाई, ये एजुकेशन से आएगी, लोगों को मीडिया के थ्रू बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीडिया जो मर्जी करता रहे, मीडिया तो हमारा वैसे फर्क है, मीडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया, जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ठीक है, चलिस्तान में बलोचिस्तान में चले जाए तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो रहा, जब तक हम खुद अपने आप को सही करेंगे तो फिर सही होंगे, अदरवाइज कोई काम नहीं। वालेकुम, अनथ एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, गदागरी इस्लाम में गदागरी को मांगना, भीख मांगना, गदागरी यानी कि भीख मांगना एक लानत कहा गया है, ऐसा ही है, ठीक है, छोड़ो यार जितने लानती काम है वो पाकिस्तानी खुद करते हैं। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, भाई साहब वो कह के गए कि हमारे उसूल उन्होंने अपना लिए, इसका क्या सबूत है भाई कि वो आपके उसूल थे, आपने बनाए थे और दूसरों ने अपना लिए? आपके उसूलों के आने से पहले से चीजें मौजूद हैं यहां पर, उसमें भी उसूल लिखे गए हैं, हजारों साल पुरानी किताबें हैं उसमें भी उसूल लिखे गए हैं, वो किसी और रिलीजन की किताबें हैं उसमें भी उसूल लिखे गए हैं। तो ये जो नीचा दिखाने वाला काम होता है ना कि हमारे उसूल उन्होंने अपना लिए, हमारा साइंस उन्होंने ले लिया, यार गजब की बात होती है ये। मैं कहता फिर हूं कि मेरे पास तो ये है ये है ये है, और शाम को पहुंच जाओ उसी चीज के लिए दूसरे के पास, कह रहे यार कुछ दो रोटी दे दो यार, तो लोग मुझे बेवकूफ बना के हंसेंगे ना, बोलेंगे यार तू तो कहता तेरे पास तो रोटी भरी पड़ी है, तू मांग रहा है मेरे से रोटी। ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में, खैर आप लोगों को नहीं अजीब लगेगा, समझने के लिए लेवल चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, उस लेवल का माइंड चाहिए, तब जाके आप समझ पाओगे। अब जो राह चलता आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे मैं जाके बात करूं स्पेस शिप और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स, वो मुझे ऐसे देखता रहेगा, कहेगा बस साले निकल हट, क्या समझा रहा है मुझे सब फालतू की बातें, क्या समझा रहा है तू मुझे, क्योंकि उसको बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता कि बात क्या हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, उसको पता ही नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। वही हाल आप लोगों का है, आप लोगों को समझाओ भी ना तो आप लोगों को वो उस लेवल पर ही नहीं हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। बाकी रही बात भारत की बढ़ती ताकत की, भारत की, देखिए भारत इसलिए बढ़ रहा है उसकी बड़ी बेसिक वजह है, हम एज ए कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं, हालांकि उसको तोड़ने की बड़ी बहुत सारी कोशिशें हमारे भीतर से भी हो रही, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसके लिए काम भी कर रही, लेकिन खैर कामयाबी मिलेगी नहीं वो अलग बात है, हमारे लोग जो पूरी जनता है वो मिलकर काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है हमारा, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं कि साथ साथ, देखिए हर चीज जरूरी है, सोशल वेलफेयर भी जरूरी है और सोशल वेलफेयर को अंजाम देने के लिए पैसे यानी कि कैपिटल की भी जरूरी है, तो हम सोशल इकोनॉमी साथ लेकर चल रहे हैं, हम चाइना की तरह नहीं है कि बिल्कुल एकदम कैपिटल 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 और सोशल इश्यूज को हम छोड़ देते हैं, या हम अमेरिका की तरह नहीं है बिल्कुल कैपिटल 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 और बहुत सारी चीजें हम इग्नोर मार देते, नहीं हम बैलेंस करके चलो, हमारे लिए हमारे लोगों की सहूलियत भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पैसे भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंडस्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आत्मनिर्भरता भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम काम कर रहे हैं, किसी पर डिपेंड ना रहे हम किसी चीज के, और अगर डिपेंड हो भी तो वो मेरे ऊपर एक चीज के लिए डिपेंड हो और मैं उसके लिए एक चीज के ऊपर डिपेंड हूं, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर चीज के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड होंगे, हर चीज चाइना से मंगा रहे हैं, चाइना आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहे तो वो भी हमारे ऊपर किसी चीज के लिए डिपेंड रहे, ये है मेन चीज, और नफरत नहीं हमारे अंदर। बाकी दोस्तों आप बताएं, कमेंट करें, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार।
जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पर मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,